हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे BHU की पेट सीट के बारे में पूछ रहे थे, तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो एंड आपकी मार्क्स UET में कम है, तो फिर भी आपको BHU में एडमिशन मिल सकता है पेड सीट के द्वारा। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग पेड सीट के बारे में बात करें, तो इसे हम लोग सुपर न्यूमेरिक सीट भी बोलते हैं एंड ये आपको अधिकतर यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो थ्रू पेड सीट। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो BHU के बारे में स्पेशली अगर हम लोग बात करें, तो टोटल सीट जितनी भी BHU में अवेलेबल है, लाइक जो भी कोर्सेज में अवेलेबल है 300-400, उसकी 15% सीट BHU में है पेड सीट। तो जितनी भी कोर्स आप लोग जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लाइक BCOM ऑनर्स या फिर BSc एग्रीकल्चर या फिर BA, तो उस सीट में जितनी भी उस कोर्स में सीट टोटल अवेलेबल है, उसकी 15% जो सीट होती है वो पेड सीट होती है। उसमें आपको पेड सीट का मतलब यही है कि आपको फीस वगैरह थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। तो जो भी अदर स्टूडेंट है, लाइक अगर उसकी फीस है 3000 BHU में मेन कैंपस में, एंड अगर आप लोग पेड सीट के थ्रू BHU मेन कैंपस में एडमिशन लोगे, तो आपको 20000 के अराउंड देनी पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हो कितना डिफरेंस है, 3000 एंड इधर 20000। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट की मार्क्स वगैरह कम रहती है, तो कट ऑफ अगर लाइक अगर आप 600 में आपके 300-400 मार्क्स हैं, तो अगर 400 मार्क्स उनकी कट ऑफ जाती है, तो अगर किसी के 390 हैं, 380 हैं, 370 हैं, मीन्स 350 से ऊपर भी है, तो वो भी एडमिशन ले सकता, क्योंकि उन लोगों की कट ऑफ में नाम नहीं आएगी, क्योंकि जो कट ऑफ है वो 400 है। तो इसीलिए 400 से अगर आपकी कम है 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, तो वो स्टूडेंट पेड सीट के थ्रू BHU में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद अगर हम लोग कोर्सेज की बात करें, तो आपको सारे कोर्सेज में पेड सीट मिल जाते हैं, लाइक BCOM ऑनर्स, BLLB, BA, BVOC, BFA एंड जितने भी इसमें कोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने बताई जितनी भी कोर्सेज हैं, उस सब में 15% सीट पेड सीट होती है। तो पेड सीट में जस्ट आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है एंड इसकी जो एडमिशन होती है वो भी सेम ही होती है। आपको कट ऑफ का वेट करना होगा, लास्ट में BHU खुद आपको पेड सीट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा एंड कम फीस वगैरह सबमिट करनी होगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो।